सोशल मीडिया फेम एल्विश यादव बिग बॉस OTT2 के विजेता बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में अभिषेक मल्हान को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। अभिषेक दूसरे और मनीषा रानी तीसरे नंबर पर रही। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाला विनर बना है। हरियाणा के एल्विश यादव शुरू से बिग बॉस OTT का हिस्सा नहीं थे। 17 जून को शुरू हुए बिग बॉस OTT में कुल 13 कंटेस्टेंट थे। उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। ये बिग बॉस TV पर ना आकर जियो सिनेमा के ऐप पर आता था। खेल के नियम पहले जैसे ही थे। एंट्री के साथ ही एल्विश चर्चा में रहे। फाइनल में जीत के लिए पब्लिक की वोटिंग होती है। एल्विश को वोट के लिए सोशल मीडिया पर खूब कैंपेन चलाया गया, मतलब खूब सपोर्ट मिला। बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव हरियाणा के एल्विश यादव को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में लिखा, एल्विश यादव मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, वोट फॉर एल्विश यादव। BJP के प्रवक्ता निखिल आनंद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर एल्विश को वोट देने की अपील की थी। एल्विश को जीत के बाद इनाम में 25 लाख रुपए और ट्रॉफी मिली। शो के आखिर में सलमान खान के साथ मंच पर एल्विश और अभिषेक दोनों खड़े थे। काफी देर के सस्पेंस के बाद सलमान ने विजेता के तौर पर एल्विश का हाथ उठा दिया। अपने सिस्टम वाले डायलॉग को लेकर भी एल्विश की खूब चर्चा हुई थी, मगर पहले से ही वो चर्चा में तब आए जब सलमान खान ने उन्हें डांट लगाई थी। 29 जुलाई को वीकेंड का वॉर एपिसोड था। सलमान खान आए, घर वालों की खैर खबर ली। यहाँ से दो बड़ी बातें निकल कर आई। पहली, सलमान खान ने खराब भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एल्विश यादव को झाड़ लगाई। एपिसोड में सबसे पहले एल्विश को एक वीडियो दिखाया गया। इसमें वो दूसरे कंटेस्टेंट मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान से बात कर रहे थे। यहाँ बात हो रही थी बेबिका दुबे की। इस बातचीत में बेबिका के लिए एल्विश ने गलत भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद सलमान ने एल्विश को थोड़े सख्त लहजे में समझाया। अभिषेक और मनीषा को भी डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने एल्विश को रोका नहीं, बल्कि वो मुस्कुराते रहे, मजे लेते रहे। माँ से बात करने के बाद एल्विश रोने लगे। इस पर सलमान ने उनसे कहा कि बेबिका के बारे में गलत बात करते हुए उनकी जो क्लिप है वो उनकी माँ को नहीं दिखाई गई है, उन्हें एडिट करके एपिसोड दिखाया गया है। बिग बॉस के घर में ये भी बात चल रही थी कि एल्विश की फैन फॉलोइंग बहुत मजबूत है, वो खुद को एल्विश की आर्मी बुलाते हैं। एल्विश ने घर में इसकी भी धौंस जमाई है। इस बाबत उन्हें समझाते हुए सलमान खान ने पूछा कि एल्विश के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पैसे देकर ज्वाइन करते हैं या फ्री में। एल्विश ने कहा फ्री में। सलमान ने आगे कहा तो ये आपकी फैन आर्मी है, एक काम कर लो, अगर ये आपके लिए जान दे देंगे। उन्होंने बोला कि जान मत देना भाई, 500 रुपये में मुझे फॉलो कर लेना भाई, मुझे देखना है कि कितने लॉयल हैं फ़ैन आपके। बोला ये तो फ्री में है, अब मुझे देखना है कि कितने लॉयल है मेरी फ़ैन आर्मी सिर्फ 500 रुपये में। क्या लगता है कितने लोग आएंगे? आप जिस आर्मी की बात कर रहे हो वो आर्मी नहीं है भाई। आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बताऊं, मैं आपको आर्मी जो होती है वो सोशल मीडिया पर नहीं, बॉर्डर पर प्रोटेक्ट करती है लोगों को, हम सबको। सलमान के इस बयान के बाद उन्हें एल्विश के चाहने वालों ने खूब ट्रोल भी किया था। इन सब के बावजूद एल्विश को फैंस का खूब प्यार मिला। सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाया गया उसकी बदौलत एल्विश को करीब 2,19,00,000 वोट मिले, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिली और सलमान खान ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप बिग बॉस देखते थे? आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन था, किसे जीतना था? ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभिनव पांडे ने। मेरा नाम है सोनल। बाकी आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से किसे जीतना था, आपका फेवरेट कौन था, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली लटो। शुक्रिया।